ट्विटर पे नाजन आप हमें मैसेज करते हैं RZIE_HAIDER ये ट्विटर हैंडल है, और उसके अलावा आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो जो सैयद ज़ीशान रज़ा इनका मैसेज आज जी, विराट कोहली ने 123 रन बनाए थे 5 टेस्ट मैचेस में 13 की एवरेज में जो लास्ट सीरीज इंग्लैंड की, और अभी आप खैर बताइएगा कि अभी वो कह रहे हैं कि अभी आप क्या समझ रहे हैं कि उनकी क्या एवरेज होगी, वो तो कह रहे हैं कि 200-300 एटलीस्ट उनकी विराट की जानिब से होंगे। तो समर देसाई साहब हैं जी, इनका ये कहना है कि अभी जो केएल राहुल है उन्होंने सेंचुरी बनाई है, तो राशिद लतीफ है उन्होंने ये उनका ये कहना है कि टेक्निकली केएल राहुल को वो समझते हैं कि कोहली से भी ज्यादा बेहतर है, इस पे आपके व्यूज लेना चाह रहे हैं। पहले एक कॉल है वो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर बात करो इस्लामाबाद से जी। खिजर बोलिए क्या कहेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक तो मेरे बात है ये कितने दिनों की कितने सीरीज है वनडे और टेस्ट सीरीज में शामिल है, और मैं ये कहना चाहता हूँ मोहम्मद हफीज अगर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते इन्हें साइड पे कर दें, यंग मैन भी खेलने दें, उनको बच्चों को आगे आने दें, क्योंकि हफीज की बिल्कुल आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, ना फील्डिंग ना बैटिंग ना बॉलिंग बिल्कुल जीरो है। अच्छा हफीज की बात की, उससे पहले आपने क्या बात की? इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का दौरा है इसमें वन डेज कितने और टेस्ट। अच्छा अच्छा ठीक है जी, खिजर कॉल करने का शुक्रिया। टेस्ट मैचेस तो नहीं है इस जो फाइनल खेलेगा अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद जो सिर्फ जिम्बाब्वे के साथ हमारे गालन 5 वनडे के मैचेस हैं, वनडे मैचेस हैं और टेस्ट मैचेस इसमें नहीं है। और हफीज की खैर हम बात कर चुके हैं अभी, तो ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर जो यंगस्टर्स हैं वो टीम के साथ हमको चांस मिलेंगे और वो खेलेंगे। अच्छा जी ये केएल राहुल की मैं बात कर रहा था, अभी जो सेंचुरी उन्होंने बनाई है इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में, 17वां उनका T20 का इंटरनेशनल मैच था और 2 सेंचुरियां वो बना चुके हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो राशिद लतीफ साहब ने कुछ ज्यादा ही जज्बात में आगे बोल दिया या ठीक है, कोहली ने तो ऑब्वियसली प्रूव किया हुआ है इतने सेंचुरीज है इतना वो रिकॉर्ड्स के अंबार है, तो एकदम से ऐसा राहुल आपके व्यूज लेना चाह रहे हैं आप बताइए। राहुल भी हाईली टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन आप एकदम से ये ना कह दें कि वो कोहली से बेहतर बैट्समैन है। टू बी वेरी फ्रैंक, कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, हर मैदान में हर पिच पर। जो लास्ट उसका टूर था वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग टूर था कोहली का, अब देख रहे हैं कि इस टूर पे वो कैसी बैटिंग करता है, अदरवाइज हर मैदान पर हर पिच पर हर सिचुएशन में उसने अच्छी बैटिंग का मजा रखा है हर कंट्री में। तो मैं समझता हूँ कि स्टिल आई बिलीव के राहुल बहुत अच्छा बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं। रोहित शर्मा बहुत अच्छा बैट्समैन है, शेखर धवन बहुत अच्छा बैट्समैन है, इनका स्ट्राइक रेट जो अभी मैं बात कर रहा था, शेखर धवन है, रोहित शर्मा, इनका स्ट्राइक रेट आप देखें अबव 150, 160, 200 इनका स्ट्राइक रेट रहता है, ये तो किसी बॉलर को सेटल ही नहीं। दोनों राहुल बेहतर है लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है अभी, उस मैं बिल्कुल फ्रैंक बात कर रहा हूँ कि एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि वो विराट कोहली से बेहतर बैट्समैन है, नहीं ऐसी अभी काफी खेलना अभी बहुत पड़ेगा उस लेवल, अभी बहुत खेलिए बहुत क्रिकेट अभी।